से बात करते हैं। दिनेश हमारे साथ हैं मुंबई से। दिनेश मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप दिनेश? मेरे पास एक तो IFCI सर है। अच्छा, IFCI आपके पास। ये दिनेश आपने क्यों लिया हुआ है IFCI? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए दिनेश, 49 पर सुनिए जवाब। आशीष आपने सुनी लिया होगा, IFCI है, इनके पास नुकसान में है। 35 रुपये पर इन्होंने लिया था और अब 26 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस तो खैर पहले ही कट जाना चाहिए था इनका। अब क्या कर सकते हैं? IFCI का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि बेरिशनेस कंटिन्यू रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में से एग्जिट होना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि नीचे का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है करीबन 23 रुपीज तक का निचला स्तर दिखाई दे रहा है, तो 23 रुपीज तक ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना चार्ट के ऊपर है, तो टेक्निकल के हिसाब से मैं एग्जिट यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। भैया चलते हैं रांची जहाँ से कार्तिक है फोन लाइन पर। नमस्कार कार्तिक जी। नमस्कार, राखी बंधवा ली आपने? राखी बनवा लिए हैं सर। चलिए, क्या खुशखबरी है आज बताइए, शेयर्स कैसे चल रहे हैं आपके? क्या बोल रहे हैं? शेयर्स कैसे चल रहे हैं आपके? निवेश निवेश तो अभी सिंडिकेट बैंक में लगा हुआ है, और उसी के बारे में आपसे पूछना था कि हमको कब तक उसको होल्ड करना चाहिए या उसको मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए। आपने ये कब खरीदा और किस कारण खरीदा? मैंने खरीदा था, ये था पिछले थर्सडे को खरीदे, पिछले थर्सडे को। ये जो बैंक RBI का पॉलिसी आने वाले थे ना जी, जी उससे पहले ही मैंने खरीद लिया था, तो मुझको लगा कि इसका बैंक जो है वो नीचे आया है, तो उसका पॉलिसी आने के बाद ये घट ऊपर चल जाएगा, और जैसे कि सेविंग अकाउंट में भी जो रेट है इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जा रहा है, तो सिंडिकेट बैंक का भी घटेगा तो उसका शेयर बढ़ेगा, यही सोच के मैंने ले लिया था उसको। और आपने ये ट्रेडिंग के लिए लिया, कितना रुक सकते हैं इसमें आप? तो ट्रेडिंग के लिए सर हम रुक सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि 10 दिन 15 दिन तक हम रुक सकते हैं। 10 दिन 15 दिन, फिर तो ट्रेडिंग के लिए ही आपने लिया है इसको। चलिए आशीष, सिंडिकेट बैंक देखते हैं, तो हमने देखा कि थर्सडे को ही जिस तरह से इसमें सेलिंग प्रेशर आया था, तो उसने एक अहम लेवल था जो कि 71 का था, उसको तोड़ दिया है, तो मैं मानता हूं कि ये एक सेल सिग्नल है चार्ट के हिसाब से, मैं इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। और दूसरा स्टॉक मैं इनको रेकमेंड करना चाहूंगा, इस स्टॉक में से निकल के उनको SBI में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है SBI में, तो मैं मानता हूं कि जहां जो लॉस इनका अभी हो रहा है वो लॉस भी रिकवर करके हो, इनका लॉस रिकवर हो जाएगा और एक मुनाफा भी मिलने की संभावना होगी, तो सिंडिकेट बैंक में से निकल जाना चाहिए और SBI में निवेश करना चाहिए।